तो दोस्तों कैसे हो? आशा करते हो कि आप लोग बढ़िया होंगे और YouTube पे मन लगा के काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाले हो कि YouTube पे लाइव स्ट्रीम कैसे करते हैं। ठीक है, लाइव स्ट्रीम को सर्च में कैसे लाते हैं, लाइव स्ट्रीम पे ज़्यादा वाचिंग कैसे, ज़्यादा बंदों को कैसे बुलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ बताऊंगा। ठीक है, आपको इस वीडियो में सारी चीज़ बताऊंगा, इसलिए अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। लाइव स्ट्रीम में आप आकर आप लोग भी प्रमोशन ले सकते हैं और भी वीडियोज़ के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी बताऊंगा जेन्युइन तरीके बताऊंगा। ठीक है, सर्च में लाने का और व्यूज लाने का जो भी बताऊंगा जेन्युइन तरीके बताऊंगा, फेक नहीं बताऊंगा। दूसरी यूट्यूबर की तरह किसी भाई की तरह मैं फेक नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले अपना दिखाऊँ। ठीक ना, मोबाइल के स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपने लाइव स्ट्रीम में आ जाता हूँ। ठीक है ना, आप लोग अपने चैनल को ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना चैनल को ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। अपने चैनल के लाइव सेक्शन में चलता हूँ। ठीक है, पहले मैं वीडियोज़ वगैरह लाइव नहीं करता था। ठीक है ना, देखो मेरे अभी वीडियो डाले व्यूज़ नहीं आ रहे, तो वीडियो को सर्च में कैसे लाए, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं अभी तक नहीं देखे तो। ठीक है, तो चलिए अपने लाइव सेक्शन में चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ओल्डेस्ट में चल के दिखा दो। ठीक है ना, सबसे हमारा ओल्डेस्ट लाइव स्ट्रीम है ऑलराउंडर टीम। पहले मेरा नाम था यूट्यूब चैनल का यही ऑलराउंडर टीम। ठीक है ना, तो फिर हमने चेंज कर दिया। ठीक है ना, तो पहला हमारा 3 मिनट का लाइव स्ट्रीम था जो 11 भी हो। ठीक है, फिर हमने लाइव प्रमोशन स्टार्ट किया। ठीक है, आप सब देख सकते हो, बिल्कुल स्क्रीन पे देख सकते हो आप लोग, मैं जो भी तरीका बताने वो रियल बताने वो और सभी मतलब सारे सच सच बताने वाले। ठीक है, फेक वगैरह इसमें 1% भी वीडियो में फेक नहीं है। ठीक है ना, देख लो 37 व्यू 56 मिनट में, समझ लो मतलब 56 मिनट में 37 व्यू, मतलब कि लगभग एक ही दो बंदे आते थे। ठीक है ना, इसके बाद 33 व्यू 33 व्यू 51 व्यू, इस तरह से मतलब बहुत कम कम व्यू जाते थे। ठीक है ना, आप लोग देख लो सारे देख लो। ठीक है ना, अभी एक भी व्यू ज़्यादा नहीं है, एक व्यू यहाँ पे 330, जो कि 3.5 घंटा का लाइव स्ट्रीम था। ठीक है ना, अब आपको दिखाता हूँ लेटेस्ट का। ठीक है ना, लेटेस्ट का व्यूज दिखाता हूँ। ठीक है, लेटेस्ट का व्यूज यहाँ पे देखो 5 आवर पहले अभी 611 व्यू। ठीक है ना, 611 व्यू अभी कितने, 4 घंटे लाइव स्ट्रीम को चलाए हैं, 5 घंटे पहले, मतलब सुबह में लाइव स्ट्रीम को 600 व्यूज आ गए। ठीक है ना, तो आखिर 600 व्यूज आए कैसे? ठीक है ना, 600 व्यूज आए कैसे, पहले आखिर दो तीन आते थे। इसमें देखो 11 मिनट चला रहे 60 व्यू, 4 घंटे चला रहे 468 87 526 258 548, मतलब कि यार व्यूज़ को तो मतलब अच्छा खासा रहा है। ठीक है ना, व्यूज अच्छा खासा रहा है, तो आप लोग को कैसे करनी है, क्या करनी है, सबसे में कैसे लानी है लाइव। ठीक है ना, और आपको लाइव स्ट्रीम नहीं करना है तो इसी वीडियो में सारे क्लियर करूँगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले लाइव स्ट्रीम करने के लिए आपको जानना है कि प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 4 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर। ठीक है, इसके बाद गो लाइव पर क्लिक करना है। ठीक है, गो लाइव पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हो सारे मतलब ऐसे खुल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइटल डालना है। ठीक है, मैं जैसे मान लो कि आप भी प्रमोशन करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल डालना है। ठीक ना, अच्छे से मिलाकर टाइटल डालना, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे लिख लेना है लाइव यूट्यूब चैनल प्रमोशन। ठीक है, लाइव यूट्यूब चैनल प्रमोशन लिखने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे डैश दे देना है। डैश देने के बाद 2 घड़ी पाई दे देने। ठीक है ना, इसके बाद फिर लिखना है मतलब सोच के जो पीपल सर्च करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो पीपल सर्च करते हो वही आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, वही आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लो कि लाइव प्रमोशन, कोई कोई सर्च करता है बंदा लाइव प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन। ठीक है, यहाँ पे इतना लिखने के बाद फिर से दे देना है। ठीक है, और आप लोग फिर चाहोगे तो लिख सकते हो जैसे लाइव यूट्यूब चैनल चेकिंग एंड प्रमोशन, लाइव यूट्यूब चैनल चेकिंग एंड प्रमोशन, एक मिनट, चेकिंग एंड प्रमोशन आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, चेकिंग एंड प्रमोशन। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको पूरा 100 कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 5-6 बजेंगे तो छोड़ भी देना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले देख लेना। ठीक है, सेलेक्ट ऑडियंस पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद क्लिक में नो नो इट्स नॉट मेड फॉर किड, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आना है। ठीक है ना, नीचे आने के बाद डिस्क्रिप्शन में सबसे ज़्यादा लिखना जरूरी होता है। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, इन्हीं को कॉपी करना है, पहले जो ऊपर में टाइटल लिखे इन्हीं को कॉपी करना है। ठीक है ना, कॉपी करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे 3-4 लाइन छोड़ के पेस्ट करना है। ठीक है, 3-4 लाइन छोड़ के पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद क्या करना है ना, आपको बैक आ जाना है। ठीक है, सिंपल सी बैक आ जाना है। बैक आने पर लोकेशन सेलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पे जो भी आपको लोकेशनों का सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे अपना कर लूँगा। ठीक है, लोकेशन सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, ये भी सेलेक्ट करना अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी हमें लाइव स्ट्रीम नहीं करना है। ठीक है, और वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं स्क्रीन कास्ट। स्क्रीन कास्ट मतलब कि स्क्रीन कास्ट करोगे तो वही दिखाएगा, फेस वगैरह नहीं दिखाएगा उसमें। आप लोग चाहोगे तो छोटा सा फेस भी दिखा देगा, आपको स्क्रीन कास्ट करना है। ठीक है ना, लाइव स्ट्रीम स्क्रीन कास्ट पर ही होता है, तो आप लोग को स्क्रीन कास्ट को ऑन कर देना है, इनेबल कर देना है। ठीक है, इनेबल करने के बाद यहाँ पे ऐड गेम टाइटल भी कर सकते हैं, अगर गेम नहीं करना है तो प्रमोशन वाला छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाद आने बहुत जरूरी होती है एडवांस सेटिंग में। ठीक है ना, एडवांस सेटिंग में आने के बाद क्या करना है कि नीचे देख सकते हो मोनेटाइज हो तो आप ऑन कर लेना, मोनेटाइज नहीं है तो ऑफ रहने देना। ठीक है, इसके बाद आता है वर्टिकल रिकमेंडेड। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको क्या करना है ना कि नीचे होरिजेंटल कर लेना। ठीक है ना, होरिजेंटल से फायदा होगा कि लाइव छोटा में चलेगा, जैसे लाइव वीडियो चलता है उसी में लाइव चलेगा, नहीं तो अगर ऊपर वाला रहने दोगे तो आपको क्या होगा ना कि बड़ा में लाइव चलेगा, फुल स्क्रीन का लाइव चलेगा, तो वो ज़्यादा अच्छे नहीं
नहीं रहते ठीक है ना, बंदे को भी उसमें दिक्कत होती है चैट वगैरह करने में, आपको हॉरिजॉन्टल रहने दे ठीक है। हॉरिजॉन्टल रहने के बाद महत्वपूर्ण काम आता है, ये जरूरी काम इंपॉर्टेंट काम आता है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे ठीक है ना। तो ऊपर जो चार पाँच लाइन छोड़े या फिर हैच करके ठीक है ना, हैच करके लाइव प्रमोशन ठीक है ना, लाइव प्रमोशन इसके बाद फिर हैच करके ठीक है, मैं भी लिख नहीं रहा हूँ अच्छे से, फ्री प्रमोशन फिर हैच करके एक में ठीक है ना, फिर लाइव यूट्यूब चैनल चेकिंग फिर से करना है, लाइव चैनल चेकिंग एंड प्रमोशन, इसके बाद फिर बड़े बड़े यूट्यूबर का नाम लिख सकते हो जैसे RDXLX लाइव प्रमोशन ठीक है। इतना लिखने के बाद क्या करना है, नीचे में आप लोग नीचे में आपको फिर लिखना है योर क्वेरीज ठीक है ना, योर क्वेरीज लिखना है, योर क्वेरीज एक मिनट लिख देता हूँ मैं, योर क्वेरीज ठीक है ना, योर क्वेरीज लिखना है एक मिनट, योर क्वेरीज एक मिनट, अच्छे से नहीं लिखा रहा है क्या, योर क्वेरीज QUER क्वेरीज ठीक है ना, इसके बाद डॉट डॉट दे देना ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को कम से कम 30 लाइन का ठीक है, 30 लाइन का लेकिन है जैसे कि लाइव यूट्यूब चैनल प्रमोशन ठीक है, छोटे छोटे में सब छोटा अक्षर ठीक है ना, सब स्मॉल लेटर, जैसे मान लो लाइव यूट्यूब चैनल प्रमोशन ठीक है ना, फ्री प्रमोशन, फ्री प्रमोशन, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, ग्रो यूट्यूब चैनल ठीक है ना, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, और इसमें सारा लिख देना ठीक है ना। एक वीडियो बनाया हो ठीक है ना, मैंने वीडियो बनाया, वीडियो सर्च में कैसे ले वहाँ पे बता दिया, टैग डिस्क्रिप्शन कहाँ से लिखनी है, मतलब कि सर्च वाले टैग डिस्क्रिप्शन कहाँ से लिखनी है, वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हो। यही सब भाई, बस यही सब 3-4 स्टेप को फॉलो कर लेंगे, आपका ऑटोमेटिक व्यूज आने लगेगा ठीक है। आप पहले एक महीने तक लाइव स्ट्रीम लगातार करके देखिए, टाइम से लाइव स्ट्रीम चाहिए, बस टाइम से लाइव स्ट्रीम चाहिए, कम से कम 1 या 1.5 घंटे ठीक है ना, 1-1.5 घंटे के वो रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। यही सब रूल को फॉलो करके आप लोग सर्च में ला सकते हो लाइव और वॉच टाइम अपना कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर वीडियो थोड़ी सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, टाटा, जय हिंद।